ये इन्फॉर्मेशन नेसेसरी नहीं थी। देखो इतनी किस्मत खराब है कि कुत्ते भी हमसे बात नहीं करना चाहते। अब क्या करें, बोलना पड़ता है। सच सच के आए सिखाने को। ये हमारे ग्रूम है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज विशाल सिंह। स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश कुमार वीडियो में। आज का वीडियो है हमारी वेडिंग डांस कोरियोग्राफी से रिलेटेड। जो भी मैंने काम किए हैं, मेरा एक जो प्रोजेक्ट चल रहा था तो मैंने कुछ शूट किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। पूरा वीडियो जरूर देखना और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। आई लव यू ऑल। जस्ट फिनिश माई मॉर्निंग क्लास। जुम्बा की पहली क्लास होती है मेरी 7 o'clock एंड सेकेंड क्लास होती है हमारी 8:30 to 9:30। सो आज सुबह की पहली क्लास हो चुकी है, अब है सीधा शाम को क्लास। बट उससे पहले हमें बीच में बहुत सारे काम होते हैं, लाइक सोना। मुझे सोना होता है दिन में, क्योंकि शाम की क्लासेस के लिए रिकवरी ज़रूरी। बट ऐसा नहीं है कि मैं अभी क्लास लूँगा, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं सो जाता हूँ। अभी मैं जाऊँगा, कुछ काम करूँगा, थोड़े बहुत जो भी है फिनिश करने, फिर उसके बाद दिन में 1-2 घंटे सोता हूँ, फिर निकलता हूँ। वैसे फिलहाल अभी सीन कुछ ऐसा है कि मुझे जाना है आज एक मीटिंग में, जो कि है मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जो मैं वेडिंग कोरियोग्राफी करता हूँ। वैसे इसमें मीटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो मेरे ऑलरेडी नोन है, जो जिसकी वेडिंग है आगे। होपफुली मैं उसको अपने इसी व्लॉग में उसको मिलवाऊंगा ब्राइड से, तो वो मेरी स्टूडेंट कम फ्रेंड है। सो उसकी शादी है इस बार और कर रहे हैं हम लोग कोरियोग्राफी मेरे ख्याल से, तो शायद मीटिंग की तो सच कोई जरूरत नहीं है, बस हमें सॉन्ग डिस्कस करने। आज इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि मैं कैसे डांस सिखाता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, वेडिंग में कैसे क्या होता है, और जो भी बहुत सारा फन होगा। सो देखते रहना गाइस, जाना मत, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, प्लीज यार कर दो यार प्लीज। तो हमारे कुछ दोस्त हैं, ये अपने जाट साहब हैं, और ये है ना सुधरने का नाम नहीं ले पा रहे, इन्हें सुधरने की काफी जरूरत है भाई। अपना एक नंबर का जिद्दी आदमी, अपने हिसाब से ही काम करता है। लड़का अच्छा है, बस एक ही दिक्कत है, बात नहीं मानता है। सो गाइज, ब्राइट थोड़ा सा शर्मा रही थी, या फिर कह लो नाटक कर रही थी। सो शी इज हियर, और इनकी शादी है 15th of April। अभी ये इन्फॉर्मेशन नेसेसरी नहीं थी, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ 15th of कि मैं अभी मैं व्लॉग करूँगा, डालूंगा ना, तो लोगों को पता चलेगा ना कि क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा है। ये लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग कर रहे हैं प्रिपेयर, और ये काफ़ी बिगाड़ रही है। थैंक्स। तो गाइस फिलहाल हम दोनों आए हैं यहाँ पे डांस सिखाने, वेडिंग डांस कोरियोग्राफी। एज यू ऑल नो कि मेरी एक छोटी सी वेडिंग डांस कंपनी है, मतलब कंपनी कह लो या जो भी कह लो, वी आर वेडिंग प्लानर्स। इज़ माई फ्रेंड भूषण, ये भी कोरियोग्राफर है, मेरे साथ में ही है, हम दोनों साथ में डांस सिखाते हैं। और फिलहाल हम आए हैं ब्राइड एंड ग्रूम का डांस सिखाने। एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके बोलना, रुको अभी। गाइस मैं ना इन लोगों का सबका फीडबैक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, ईद का चांद भी 15 दिन में एक बार दिख जाता है, तो सर के तो दिखने के चांसेस ही नहीं होते हैं। जब तक सब स्टेप्स भूल जाएं, फिर स्टार्टिंग से हमको सीखना पड़ता है। डेली आता हूँ, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। वो भी भाग के चले जाते हैं। तो मैंने आपको एक अलग से एक कोरियोग्राफर नहीं दिया था, भूषण सर? नहीं, वो भी जाते गए जल्दी जल्दी। हाँ, आपको देख के तो हम स्ट्रेस ही भूल जाते। अब क्या कहे इन लोगों का सुन के। ठीक है, थोड़ी सी बेइज्जती क्या करें। ठीक है, थोड़ी सी तारीफ कर देती हूँ, कभी कभी आते हैं लेकिन अच्छा सिखा देते हैं, बट भूल जाते हैं। दिल से नहीं बोल रहा, जो लग रहा है बनावटी बोल रहा हूँ। 18 दिन में एक बार आते हैं, और वो भी शायद तो 2 दिन पहले आया है। पंक्चुअलिटी इश्यूज हैं, बट स्टेप्स बहुत अच्छी और एनर्जी लाने के लिए बहुत मोटिवेट कर। आपको लगता है ये पंक्चुअलिटी इश्यूज वाला मैं रखूंगा? तो ऐसा है, इन लोगों की मनगढ़ंत कहानियों को बताओ, मैं जब से जिस दिन से आया हूँ ना, सिर्फ 2 दिन छुट्टी ली है मैंने। और सारा पहली बात तो ये डांस मैंने नहीं सिखाया इन लोगों, किसी और टीचर ने सिखाया, फिर भी उनको मैंने रेगुलर भेजा। अरे मतलब बस मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी सिखाया मैंने, मेरी लाज रख लेना माताओं। जरूर बच्चा, जरूर।
इतनी किस्मत खराब है कि कुत्ते भी हमसे बात नहीं करना चाह रहे। दो मिनट मेरे से बात कर लेगा तो क्या चलेगा? ये भी हमसे बात नहीं कर रहे तो लड़कियां क्या बात करेगी? इतना प्यार तो उनकी गर्लफ्रेंड से भी नहीं करते हो। ये हमारे ग्रूम है और हम लोग प्रैक्टिस करते करते ये भाई सब मैच देखने लग रहे हैं क्योंकि आज केकेआर ने 5 बॉल्स में 28 रन मारे और ये ब्राइड हमारी यहाँ पे गुस्से में वेट कर रही है। हम लोग अभी है ना प्रैक्टिस कर रहे थे और मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट काम चल रहा है तो हम रुक रहे हैं दो मिनट फिर बाद में आके पता चला कि ये भैया ये देखो ये सब हो रहा है तो हम भी आके क्रिकेट देख रहे हैं। अच्छे से करो। चलो 3, 2, 1 क्या बोल रहे थे आप लेडीज चैलेंज वाली जो ये सॉन्ग है ना जो ये वाला इसको डिक्टो कॉपी करके दिखा दो चैलेंज दे रहे हो आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो बिल्कुल वो करेंगे चलो 2, 3, 4 1, 2, 3 स्टार्ट।